फाइनली दोस्तों मैं जनकपुर पहुंच चुका हूं, आपको दिख रहा होगा पीछे, ये इसे नौलखा मंदिर कहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं यही है राम जानकी मंदिर, जो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना दूरों में फैला हुआ है। और ये सामने जो अभी दिखा रहे हैं देखिए है, और ये मरवा है जहाँ श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तो इसके बाद में घूमेंगे। तो चलिए पहले अब राम जानकी मंदिर में घूम ले। तो चलिए दोस्तों फिर आपको सामने से ले चलते हैं दिखाने कैसा है। तो दोस्तों यही है जनकपुर का नौलखा मंदिर, इसे राम जानकी मंदिर भी कहते हैं। तो दोस्तों बता दूँ इसके इतिहास के बारे में, जो आप दिख रहे हैं पूरा जितना दूर में फैला हुआ है सिर्फ 9 लाख में बना हुआ है। तो दोस्तों आपको भी हैरानी होगा इतना मतलब विशाल मंदिर कैसे 9 लाख में बना हुआ। तो रियलिटी में दोस्तों ये पूरा जो परिसर है मंदिर है सिर्फ 9 लाख में बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये परिसर हुआ मंदिर का अंदर का। अभी कम भीड़ है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो भीड़ भी अभी कम है। तो चलिए अंदर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रहा मंदिर के अंदर का परिसर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना दूर फैला हुआ है। और ये सामने जो है उसी में राम जानकी का प्रतिमा है। तो चलिए फिर उनका भी दर्शन किया जाए। गोरे गोरे बाल सब बरन मेरो मदन गोपाल, आपकी नाश धर्म की जय। साधु हो या संत हो, राजा हो या रंग हो। तो चलिए दोस्तों फिर माँ जानकी जी का दर्शन किया जाए। और ये परिसर हुआ पीछे दिख रहा है पूरा।
कैसा है। तो ये हम लोग ने टिकट कटा लिया है, तो चार आदमी है, तो चलिए अब टिकट देख कर फिर अंदर चलते हैं। और ये मेरा भाई रहा, पीछे बहन, और ये पीछे दादाजी है। तो दोस्तों यही मरवा है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों तरफ पेड़ है और बीच में मंदिर है जहाँ पे माँ सीता और श्री राम जी का विवाह हुआ था, तो इसी मरवा में विवाह हुआ था। तो चलिए दोस्तों आपको भी नज़दीक से दिखाते हैं अंदर का ऋषिगण सब बैठे हुए हैं, तो चलिए उनका दर्शन आपको करवाते हैं।